नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर दास शर्मा ने बताया कि परवाणु में पिछले 5 वर्षों में यहां की मुख्य समस्याओं को समाप्त करने का पूर्ण प्रयास रहा है, ताकि लोगों को हो रही असुविधाओं से निजात मिल सके। उन्होंने कहा कि परवाणु वासियों को पानी, बिजली और सीवरेज की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपनी टीम के माध्यम से इन समस्याओं को हल किया। परवाणु में जगह जगह पानी के टैंक बनाए गए, सीवरेज लाइन की व्यवस्था की जा रही है, जिसके आरम्भ होने पर यहाँ के लोगों को गंदगी से निजात मिलेगी। परवाणु को कूड़ा रहित बनाने प्रयास किया गया। नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर दास शर्मा ने बताया कि परवाणु वासियों को गर्मियों में पानी की काफी समस्या होती थी, इसलिए उन्होंने कामली में पानी का टैंक बनवाया और वार्ड नंबर 4 में खराब पड़े टैंक को ठीक करवाया, जिससे अब परवाणु में पानी की व्यवस्था सुचारू हो चुकी है। पानी की व्यवस्था को ठीक करने के लिए करीबन 8 करोड़ रूपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि परवाणु को आज से 50 वर्ष पूर्व केवल 5000 की आबादी के लिए बसाया गया था, लेकिन अब यहाँ की जनसंख्या करीबन 50,000 को छू रही है, जिसकी वजह से सीवरेज की काफी दिक्कतें लोगों को आ रही है। लेकिन 86 करोड़ रुपए की सीवरेज योजना पर काम चल रहा है, जो जल्द ही पूर्ण हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं परवाणु की जनता का धन्यवाद करूंगा कि मेरे 5 साल बहुत अच्छे ढंग से गए हैं और बड़े काम किए हैं। मेरे को अभी टाइम नहीं है, रोप प्रत्यारोप में लगाना भी किसी पे नहीं चाहता। मेन तो हम डेवलपमेंट को लेके गए हैं। सबसे इस डेवलपमेंट में जो सबसे मेरा अहम काम है, अभी लोगों को नजर नहीं आ रहा है, ये सीवरेज का है। सीवरेज के लिए एक छोटे से शहर के लिए 86 करोड़ रुपए जो है वो फ्रांस सरकार से सेंक्शन हुआ है और 2017 में हुआ था, और इस पैसे को जो है आजकल जो है पूरे जोरों से काम चला हुआ है। ये 2021 मार्च 2021 में ख़त्म होना था, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा लेट हो गया। मेरा ख्याल हो सकता है 1 साल के अंदर अंदर कम्प्लीट हो जाएगा। इसमें पूरे परवाणु और परवाणु के साथ लगते गाँव जो हैं वो इसके साथ कवर होंगे, और दो ट्रीटमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के 2 ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे। इस सारे काम को IPH कर रहा है, यूडी के थ्रू ये सारा कुछ हुआ है। तो इससे जो हमारी सीवरेज की प्रॉब्लम थी, ये शहर जो था 50 साल पहले बसा था, हाउसिंग बोर्ड ने इसको सिर्फ 5000 की आबादी के लिए बनाया था, लेकिन अब आबादी बहुत, फ्लोटिंग पॉपुलेशन यहाँ 50,000 हो चुकी है। तो इसको जो है अब सीवरेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को आने लगी थी, अब इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, और भगवान ने चाहा तो 1 साल के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। हम हों या ना हों, लेकिन आने वाली जो टाइम है वो लोग इस चीज़ को याद रखेंगे कि ठाकुर दास ने अपने जाते समय जो है लास्ट उसमें ये बहुत अच्छा काम किया, और लोगों को बहुत इसकी सहूलत मिलेगी। इसके बाद दूसरा पानी का है। पानी पे लगभग 8 करोड़ रुपया जो हमने खर्च किया है, और टिम्बर ट्रेल इसके कामली के अंदर जो है हमने इसका डैम बना है, और डैम से हमें बहुत ज़्यादा सहूलत हुई है। हमारे सेक्टरों में 2-2 घंटे पानी रहता है, गर्मियों में बड़ी दिक्कत होती है, टैंकरों से पानी मंगाया जाता था, लेकिन अब यहाँ बिल्कुल भी पानी टैंकरों से नहीं मंगाया जाता है। बहुत कम एमरजेंसी में कभी जरूरत पड़ जाए, नहीं तो बिल्कुल कोई पानी की दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ हमारे एक टैंक जो था 4 ओवरहेड टैंक सेक्टर 4 में था, वो 10-12 साल से उसमें कोई नहीं भरा उसको, लेकिन पिछले 3 साल से हम उससे पानी सप्लाई कर रहे हैं, और 4th मंजिल पे बिना मोटर से पानी जाता है। तो ये पानी की समस्या है। इसी तरह सॉलिड वेस्ट था, जब से नगर परिषद बनी थी तब से कूड़ा यहाँ इकट्ठा होता था, बरसातों में उसको नदी में डाल दिया जाता था, लेकिन अब उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। लगभग 1592 टन कूड़ा जो है वो हमने JVR कंपनी के थ्रू बद्दी उनके प्लांट में भेजा है, तो उसमें कूड़े में कोई दिक्कत नहीं है। परवाणु जो है बिल्कुल डस्टबिन फ्री शहर है, यहाँ 43 डस्टबिन थे जो हमने उठा दिए हैं, और 1 किलो कूड़ा भी कोई इधर उधर नहीं जाता है। अगर आपका 1 किलो कूड़ा भी है वो बद्दी जाता है, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे होटल हो, चाहे घर हो, सब जगह से जो कूड़ा है वो वहाँ जाता है।